हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि राजस्थान हाई कोर्ट की जो रिसेंट वैकेंसी आई है ग्रेड फोर के लिए, उसका क्या सिलेबस है। सो वीडियो में आगे चलने से पहले, स्टिल अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है गाइस, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जो भी अपडेट्स हैं आपको टाइमली मिलते रहें। तो चलिए देखते हैं कि सिलेबस में क्या क्या है। इसके अंदर तीन ही सब्जेक्ट्स आएंगे आपके, जनरल हिंदी आएगा, जनरल इंग्लिश आएगा एंड राजस्थान का कल्चर आएगा। ठीक है, राजस्थान कल्चर में भी पूरा इसमें वेटेज नहीं है, पूरा नहीं आएगा थरो, कुछ टॉपिक्स इसमें इन्होंने मेंशन किए हैं। तो सबसे पहले हम हिंदी में देखते हैं कि हिंदी में क्या हमारा सिलेबस है। हिंदी के अंदर है हमारा संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, समास, संधि, विलोम, पर्यायवाची, काल, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, समानार्थी शब्द, एकार्थी शब्द एंड व्यंजन। यह हमारा हिंदी का सिलेबस है। तो अगर हिंदी के सिलेबस को हम ठीक से देखें, तो हिंदी के सिलेबस के अंदर आपके स्टार्टिंग के जो टॉपिक्स है, संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है, विशेषण है, समास और संधि जो है, ये आपके समझने के टॉपिक्स ये वाले। इसके अलावा विलोम शब्द, पर्यायवाची, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, मुहावरे, इसमें मुहावरे हैं, विलोम है, पर्यायवाची हैं, मुहावरे हैं, लोकोक्तियाँ, समानार्थी शब्द, एकार्थी शब्द। एक बार मैं क्लियर दिखाती हूँ गाइस, पर्यायवाची, मुहावरे, विलोम, लोकोक्तियाँ, समानार्थी, एकार्थी, ये शब्द जो हैं ये आपके लर्निंग के हैं, इनको हमें रटना ही पड़ेगा, इन्हें हमें याद करना पड़ता है, लर्न करना पड़ता है। तो ये लर्निंग का पोर्शन है, इसमें समझने वाली चीज़ ऐसे कुछ खास होती नहीं है, तो इनको हमें पहले से लेके चलना पड़ेगा, बिकॉज लास्ट मोमेंट पे हम इन्हें 1000 को हम लर्न नहीं कर पाते। आगे देखते हैं गाइस, नेक्स्ट जो है इंग्लिश। इंग्लिश के अंदर आपके टॉपिक्स हैं टेंसेज हैं, आपके आर्टिकल्स हैं, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच है, मॉडल्स हैं, मॉडल्स के अंदर ने बता दिया है कमांड, रिक्वेस्ट, परमिशन, प्रोबेबिलिटी, ऑब्लिगेशन, सिनोनिम्स हैं, एंटोनिम्स हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, जेंडर है, एडजेक्टिव वर्ब, एडिटिंग एंड ऑमिशन, अरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस, कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड सेंटेंसेस एंड वोकैबुलरी। तो इसके अंदर अगर मैं आपको क्लियरली बताऊं, तो इसमें आपका कितना, जैसे आपके टेंसेज हैं, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच है, कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड सेंटेंसेज हैं, एडिटिंग एंड ऑमिशन है, अरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस, ये थोड़े से लेंथी टॉपिक्स हैं। इसमें से ये जो है, अगर हम इसको नहीं भी कंसिडर करते हैं, तो ये आपके थोड़े से लेंथी टॉपिक्स हैं, इनमें अपने को पूरा इनको पढ़ना पड़ेगा। बाकी लर्निंग का देखा जाए, जिनको सिर्फ रटना है, तो सिनोनिम्स हैं आपके, एंटोनिम्स हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और जेंडर है। मैं फिर से बताती हूँ आपको, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड एंड जेंडर, इनको हमें लर्न ही करना पड़ेगा, इन्हें रटना पड़ेगा। तो इनको स्टार्टिंग से ही करेंगे, डेली डेली अगर हम थोड़े लर्न करते हैं, तब जाके एग्जाम तक ये परफेक्ट हो पाते हैं। ओके गाइस, तो आपका इंग्लिश का ये सिलेबस है। अभी मैं आपको आगे ये भी बताऊंगी किसका कितना वेटेज रहने वाला है। तो पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि राजस्थान का कल्चर कितना रहेगा, कितना है इसका। राजस्थान के कल्चर के अंदर राजस्थान लोकोक्तियाँ हैं, राजस्थानी कहावतें हैं, राजस्थानी मुहावरे हैं, बोलियाँ हैं, राजस्थान की भौगोलिक स्थिति है, राजस्थान के ऐतिहासिक व्यक्ति हैं, राजस्थानी पहनावा है, वेशभूषा है, राजस्थान के मेले हैं, त्यौहार हैं, राजस्थान के प्रमुख धार्मिक व दर्शनीय स्थल हैं, राजस्थान के मूर्धन्य कवि और साहित्यकार, मतलब कि कवि और साहित्यकार जो फेमस है, राजस्थान के लोक देवी देवता, राजस्थान के लोकगीत और लोक नृत्य, ये हमारा इसका सिलेबस है। तो इसमें अगर मैं आपको बताऊं कि किस तरह से हम इसे कर सकते हैं, तो सबसे पहले आपको जो रटने वाली, इसमें ज़्यादातर रटने की चीज़ें हैं, सब लर्न करने की चीज़ें हैं। लोक नृत्य हम पहले स्टार्ट कर सकते हैं, इसके अंदर लोक नृत्य, लोक नृत्य, लोकगीत आपका, लोक देवी, लोक देवता, ये भी काफ़ी सारे हैं हमारे राजस्थान के अंदर। भौगोलिक स्थिति का आप ये, क्योंकि इसकी एक लिमिट है जो है वह एज इट इज़ ही है, बहुत ज़्यादा नहीं है, भौगोलिक स्थिति को हम लर्न कर सकते हैं, बोलियाँ लर्न कर सकते हैं पहले। तो इस तरह से सिलेबस को लेके चलना पड़ेगा। अब ये देख लेते हैं पहले कि इसमें वेटेज कितना है, मतलब कि इसमें से कितने मार्क्स का हमारा आएगा। तो आपको मैंने पहले ही बताया था लास्ट वीडियो में कि आपका जो रिटर्न एग्ज़ाम है, जो पेपर होगा, वो होगा 85 मार्क्स का, मतलब 85 नंबर का होगा, और जो आपका इंटरव्यू होगा वो होगा आपका 15 नंबर का। ओके गाइस, इसको मिला के आपके 100 नंबर हो जाएंगे। अब पर्टिकुलर सब्जेक्ट की बात करें अगर, तो सबका वेटेज इक्वल नहीं है। आपका जो हिंदी है, इसमें से आएंगे 40 मार्क्स के क्वेश्चन, 40 मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं, यानी कि 40 क्वेश्चन आएंगे। ओके गाइस,
इंग्लिश की हम बात करते हैं, इंग्लिश के तो इंग्लिश का आपका जो है 25 क्वेश्चंस आएंगे, यानी कि 25 मार्क्स के आएंगे वो, क्योंकि एक मार्क का एक क्वेश्चन है जो वेटेज है, एक मार्क का एक क्वेश्चन आएगा। आगे देखते हैं राजस्थान का कल्चर। राजस्थान के कल्चर में से आपके आएंगे 20 क्वेश्चंस और वो होंगे 20 मार्क्स के, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था इसके अंदर एक मार्क का एक क्वेश्चन रहेगा, नेगेटिव मार्किंग इसमें है ही नहीं, बिल्कुल भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और इसके अंदर ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि आपको तीन सब्जेक्ट्स बताए हैं तो तीनों में पास होना आपका ज़रूरी है इंडिविजुअल में, ऐसा भी नहीं है कि हिंदी है तो हिंदी में भी, इंग्लिश में भी और कल्चर इन सब में पास होना ज़रूरी है, ऐसा भी इसके अंदर कुछ भी नहीं है। आप तीनों का मिला के जो वेटेज ला रहे हो उसको ही कंसिडर किया जाएगा, ठीक है गाइस। तो ये तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम वाली बात है ही नहीं, सबसे अच्छी बात यही है कि नेगेटिव मार्किंग है ही नहीं। आपको लर्न करना है अच्छे से, परफेक्टली रेडी करना है। अब जैसा कि इसने बताया था कि 40 मार्क्स का आपका हिंदी है, तो आप 40 मार्क्स हिंदी को अगर परफेक्ट करते हो तो अगर आप इसमें 30 मार्क्स भी लेके आते हैं तो पास होना तो बहुत ईजी है इसके अंदर। बट मैटर वही है कि हमारे कट ऑफ आजकल बहुत ज़्यादा हाई जाने लगी है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो आपको इसमें 40 मार्क्स का है या आपका 25 मार्क्स का है या आपका 20 मार्क्स का है, मैंने आपको बता ही दिया है नेगेटिव मार्किंग आपके है ही नहीं, तो आप प्रिपरेशन बिल्कुल अच्छे से कर सकते हैं, टाइम भी आपके पास काफ़ी है, तो अभी से आप प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए गाइस। एंड इसके अलावा इसमें मैंने आपको बता ही दिया है कि आपके एक नंबर का एक क्वेश्चन होगा, रिटन पेपर होगा, 2 घंटे का आपका पेपर होगा, जो आपका 85 मार्क्स वाला पेपर है वो 2 घंटे का होने वाला है आपका। 2 घंटे में आपको 85 क्वेश्चंस करने हैं, आप आराम से कर सकते हैं इसके अंदर। अब मैं अगर आता है तो फटाफट ही टिक तो करना है, तो उस अकॉर्डिंग प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए अपनी। इसके अलावा इसमें जो पासिंग क्राइटेरिया रखा गया है, जिनको रिजर्वेशन है उनके लिए 34 मार्क्स है फर्स्ट पेपर में, यानी कि रिटन पेपर के लिए बात कर रही हूँ मैं, और जिनको रिजर्वेशन नहीं है उनके लिए 38 मार्क्स है। ये पासिंग का है, क्वालिफाइंग मार्क्स है कि इतने मार्क्स अगर आप ला रहे हैं पेपर के अंदर तो आप क्वालिफाई कर पाएंगे। इसके अलावा आपका जो 15 मार्क्स का इंटरव्यू होगा, तो 15 मार्क्स का इंटरव्यू होगा, उसके बाद में जो आपके ओवरऑल सिलेक्शन के लिए जो मार्क्स चाहिए होंगे उसमें मिनिमम जो है वो आपका, जिनको 40 मार्क्स तो जिनको रिजर्वेशन नहीं है और जिनका रिजर्वेशन सॉरी 40 मार्क्स उनको जिनको की रिजर्वेशन है और 45 मार्क्स उनका जिनको की रिजर्वेशन नहीं है, तो ये इस तरह से आपको देख कर चलना है, बिल्कुल माइंड में सेट करके रखना है। बट हमें इन बाउंड्रीज पे नहीं रहना है, बिकॉज इन बाउंड्रीज से कोई सेंस नहीं है, मार्क्स हमें ज़्यादा ही लाने पड़ेंगे। तो आप पहले सबसे पहले अपने लर्निंग का लेके चलिए आराम से, इसको हम फॉलो कर सकते हैं। एंड आपके फॉर्म्स जो हैं, कुछ ऐसे कमेंट्स आए थे कि प्रेफरेंस क्या देना है एंड ऑल, तो अभी फॉर्म्स आपके 18 नवंबर से स्टार्ट होंगे गाइस, 18 नवंबर से स्टार्ट होंगे एंड 17 दिसंबर तक आप उसे भर सकते हैं ऑनलाइन। 18 नवंबर से आपके फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं, मैं बता देती हूँ एक बार फिर से, 18th ऑफ नवंबर इससे आपके ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो रही है। प्रेफरेंस वगैरह क्या है इससे रिगार्डिंग भी आपको जो डाउट्स होंगे उससे रिगार्डिंग आपके लिए डेफिनेटली वीडियो बना देंगे, किस तरह से आपको फॉर्म को फिल करना है। एंड आपकी ये लिमिट जो है वो 17 दिसंबर तक की है, 17 दिसंबर तक रात की इस टाइम तक आप अपना फॉर्म फिल करके पेमेंट कर सकते हैं। क्लियरली मैंने आपको पेमेंट का बता दिया था किसके लिए कितना है, और पहले वाले से उसका कोई लिंक नहीं है। आप अपनी प्रिपरेशन बिल्कुल स्टार्ट कीजिए बिल्कुल अच्छे तरीके से, जिस तरह से आपको मैंने बताया है। एंड एक आप लोगों के लिए हेल्पफुल चीज़ ये रहेगी कि आपके जो भी सिलेबस में है इसको लेकर सारे वीडियोस हम आपको सिलेबस वाइज जो आपके सिलेबस में मेंशन किया है हर एक टॉपिक को लेकर डिटेल आपको हम वीडियोस प्रोवाइड करेंगे। एंड वीडियोस में जो मैटर होगा वो बिल्कुल ऑथेंटिक होगा, अगर आप उस पर कॉन्सेंट्रेट करके उसके अकॉर्डिंग अगर आप चल रहे हैं डेफिनेटली आप पेपर को अच्छे मार्क्स के साथ क्लियर करेंगे। बिकॉज ये क्वालिफाई करने के पॉइंट ऑफ व्यू से तो आप एग्जाम देने में कोई सेंस नहीं है गाइज, बिकॉज अब बहुत ज़्यादा कट ऑफ हाई जाती है, तो हमें बिल्कुल अच्छे से हर एक टॉपिक को, बिकॉज एक ही पेपर क्लियर होगा और के लिए भी अच्छी प्रिपरेशन होगी अदर एग्जाम्स के लिए भी, तो बिल्कुल अच्छे से हमें इनको प्रिपेयर करना है। तो उसके लिए हम आपको बिल्कुल हेल्पफुल वीडियोस प्रोवाइड करेंगे आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, और आपका सिलेबस उन वीडियोस के बेसिस पे अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और एग्ज़ाम आने से पहले ही आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट भी करवा देंगे, सिलेबस बहुत ज़्यादा भी नहीं है गाइस, तो बिल्कुल ट्रस्ट करके आप हमारे वीडियोस के साथ जुड़े रहिए, चैनल के साथ जुड़े रहिए।
आपको कोई भी डाउट हो किसी भी चीज़ को लेकर तो बिल्कुल हमें आप कमेंट कर सकते हैं। मैंने आपको बता दी है डेट वगैरह क्या है, आप एग्ज़ाम की और प्रेफरेंस वगैरह की पूरी इन्फॉर्मेशन आपको दे देंगे वीडियो के थ्रू। तो आपको जो भी डाउट्स हो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, बट बिल्कुल माइनर लैंग्वेज में। गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, थैंक यू।